ये ले भाई, अरे तू हमरा नाम से जाना जाता है, हम तो हमरा नाम से नहीं जाना जाते हैं। तो ये हमरा पगड़ी है, ये ले जा। ओके सर, रेप का नाम लगाई है इस पे, रेप निकाल दो। आज तक छाती चोरी करके दिया है, गलत की है। तो सारा समाज हमारे खिलाफ था, बाबूजी ने फैसला सुना, हमारी तो जिंदगी खराब हो गई ना। फैसले जो रहेंगे और क्या करें। उसका सजा दिया जाएगा और तुरंत अपनी। हाँ जी, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रकाश बाद इंटरटेनमेंट। दोस्तों मैं प्रकाश, ये मेरे भैया हैं, इनको जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये सरपंच साहब है जो कि यूपी से आए हैं। हमारा बात एक सप्ताह पहले हुआ था, इनको कहीं से नंबर मिला होगा हमसे, तो हम सारा बात इन्होंने बताया। बहुत दबंग आदमी है, जहाँ से बिलोंग करते हैं सारे लोगों से मैंने बात किया, लगभग कुछ वहाँ के मेरे दोस्त भी रहते हैं, तो मैंने बात किया तो इनके बारे में पता चला कि ये न्यायदाता है उस गांव के। एक बार जो फैसला कर देते हैं वो कर देते हैं, लेकिन अभी ये हार चुके हैं। 5 साल पहले थे अभी, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन रुतबा जो होता है आज भी वही है। तो हम चाहेंगे अंकल जी, आप जिस काम से आएँ, जिस उम्मीद से मेरे पास आएँ, वो चीज़ एक बार ऑन कैमरा आप सारा चीज़ बताइए। मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे बच्चा था, मेरा बेटा जो था, उसने एक गलत काम किया था, उस कारण मेरे से वो फैसला लेना पड़ा मुझे। और लेने का ये था कि मतलब पूरी जो पब्लिक थी वो गांव की, सारे सबूत वगैरह उसी के ख़िलाफ़ थे मेरे बेटे के। मैं गांव का सरपंच होने के लायक काबिल, अपनी मान मर्यादा देखते हुए मैंने अपने बेटे को जो सज़ा देनी थी मैंने दे दी। एकदम सही किया सर, एकदम कर सके कि आप गाँव के न्याय देता थे। नहीं, मैं जैसे मैं और भी गांव में पूरी पब्लिक है, मान मर्यादा कोई नाम की चीज़ होती है एकदम। तो मैंने अपने जज्बे को बरकरार रखते हुए मैंने तुरंत उसी टाइम पब्लिक के सामने, सब उसी टाइम जितने भी गवाह भी थे सबके सामने मैंने सजा दिया हूँ उसको। क्या सजा दी है? मैं उसको बोल दिया कि अपनी बीवी के साथ मैं कम से कम तू यहाँ से दूर चला जा, और बीवी को बोल दिया तू यहाँ से दूर चली जा, दोनों को अलग कर दिया हूँ। तलाक दिवा दिया ना? तलाक, हाँ वही तलाक वाला समझ लीजिए। आज तक हम उनको मिलने नहीं दिए हैं बिल्कुल भी, और मैंने बोला हाँ मिलने भी नहीं दिया जाएगा। तो इसमें अब एक बात बताइए अंकल जी, तो इसमें हम लोग के सपोर्ट के लिए क्या है? इसमें तो अब खुद ही सब इसमें हम क्या करें? तो नहीं देखिए, वो तो जब मैं सत्ता में था, हाँ, जब मैं गांव का सरपंच था, आज मैं सत्ता से उतर चुका हूँ और अब मैं गांव का सरपंच नहीं हूँ। तो मेरे को जिस लड़की के साथ में उसका रेप का नाम लगा था मेरे बेटे का, हाँ, वही लड़की आके मेरे को बोली कि हमसे गलती हो गई है और ये झूठा इल्ज़ाम है, और आपके बेटा तो एकदम हीरा जैसा बताया हमको, और सब वो मैंने हम सच बताई आपका। कि आज मेरे को भी अपना पर थोड़ा सा पछतावा है कि मेरे हाथ से कैसे गलत काम हो गया। तो इसका मतलब यह है कि आपने उस समय सही जांच पड़ताल नहीं किया, नहीं जल्दबाजी में फैसला किया आपने। जांच पड़ताल ठीक है, गांव का प्रेशर तो था, पर पूरी जनता को मुझे देखना पड़ता है भाई, सबके लिए। मेरे को तो एक तरह से एक ही उंगली से सबको हाँकना पड़ेगा। एकदम एकदम भाई, कहने का क्या है कि मेरा बेटा हो चाहे गांव का बेटा हो, अगर किसी के साथ गलत होगा तो उसका सजा दिया जाएगा और तुरंत देंगे। तो यही काम हम किए, अपनी जो हम पहनते हैं धोती कुर्ता ये जूता है, इन पे किसी पे हम अपना आज तक आँच नहीं लगने दिए हैं बिल्कुल भी, और ना ही लगने देंगे चाहे किसी का बच्चा हो। हमने अपना फैसला जो किए अटल किए थे, वही अटल रखे हम। पर आज हमको आके वो लड़की बताइए तो हमको खुद को अंदर से पछता हुआ है। मैं शर्मिंदगी महसूस, शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमारा हाथ से कैसे। रोइए मत, रोने वाला तो बात है पर हमारा बेटा छोटा। अब बताइए, अब हम क्या कर सकते? अब आपसे हम दरख्वास्त लगाए हैं कमरा, हमारा बेटुआ जो है उसको एक बार उससे मिला दीजिए। आज 7 साल हो गया है, 5 साल तो उसको हम बेटा आपका, बेटा तो आप ही के पास रहता है। आप जैसे बोल रहे थे हमको मैसेज पे भी, देखो तो बात नहीं करते, हम बात नहीं करते हैं, हमारा बेटुआ हमसे बात नहीं करता है बिल्कुल। बहू से अलग ही है, बहू से भी अलग है। हमारा जो छुटका बेटुआ है उसका बच्चा भी हो गया है, और बड़ा वाला है हमारा कहाँ से, उसको 7-8 साल से अलग है। अब कैसे कि वो लोग मिल ही जाएंगे? तो जो लड़की है, नहीं आप लोग हैं तो आप एक बार बताइए, एक बार और गांव में तो कोई ना कोई सरपंच होगा ना, उस गांव वाले के लोग के तो खिलाफ को कुछ कंप्लेन करना चाहिए ना, जो लोग झूठा आरोप में आपके बेटा बहू को अलग कर दिया लोग। देखिए बच्चा, हम तो अब नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा जो हो गया सो हो गया, अब हमको हमारा बच्चा और बहू चाहिए।
किसी तरीका से आप मिलाइए, आपका बहुत नाम सुने हैं हम, कहीं से आपका नंबर जुगाड़े हैं, तो आप प्लीज़ हमारा ये काम करा दीजिए। देखिए आपके बेटा से भी बात की तो वो भी कल ही ट्रेन पकड़ के आए हैं, तो भी मेरे रूम पे ही है वो भी, आपको मैंने होटल में रखा था, आप भी कल ही आए हैं, आओ कल आप भी कल ही आओ, भी कल ही है उस चीज़ का कि हमसे गलत फैसला कैसे हुआ। तो आपके बेटा को मैंने कॉल कर दिया, बहू को भी कॉल कर दिया है, बहू को भी मैंने बुला लिया था, बहू हमारा को माफ़ थोड़ी ना करेंगे, आप थोड़ा सा करिएगा तो हमारा थोड़ा सा, हम आपके साथ में रहेंगे ना, आप एकदम घबराइए, जिस उम्मीद से अगर आए ना, आपने भी जो किया वो दूसरे के इशारे पे किया, तो सबूत के गांव नहीं नहीं इशारे पे नहीं किया है, हम उस गांव के सरपंच थे उस टाइम और हम गलत कर नहीं सकते थे किसी के साथ में, वही बात है ना, ये हमारा जज्बा है जब से टिकाए हुए हैं हम आप, जो सबूत मिला उस सबूत के आधार पे आपने किया, जात बिरादरी में पूरा इज्जत है हमारा आज तक, कोनो बात में इतना सरदार नहीं लगने दिया, बिल्कुल हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपको उस समय सबूत नहीं मिला, जो गांव समाज बोला उसके हिसाब से आपने फैसला लिया, तो हम आप अपने जगह पर सही है, आपको उसमें गलती नहीं है, लेकिन गलती उस लड़की का है जो झूठा आरोप आपके बेटा पे लगाई, तो वो तो हमारा घर बर्बाद कर रहा है आपसे, हमारा घर तो वही बर्बाद करी है, संजना के पास फोन करो, हाँ लेकर उनके पत्नी को भी मैंने कॉल कर दिया था, तो भी यहाँ ही रही होगी, वो भी गांव से आ रही थी, जैसे आपने नंबर दिया था ना हमको, एक सप्ताह आपसे पहले बात हुआ था, तो आपके बहू से मैंने भी बात किया था नंबर से, बहू तो हम देखते ही बहुत टेढ़ा मुंह कर लेती है, बहू को भी मैंने बुलाया, बहुत रिक्वेस्ट किया मैंने, अब बेटा आपका तो कल ही आ गया था मेरे रूम पे, तो बेटा को मैं बोल रहा हूँ, समय होता है एक दूसरे से, नहीं नहीं हम संजना को बोल रहे हैं बेटा को लेके आए, देखिएगा हमारा घर अधूरा लगता है हमको उसके बगैर, अरे हम एक बाप है 7 साल का, इसे खाते रोइए मत, देखिए रोइए मत, बिल्कुल रोना नहीं है आपको, आने दीजिए, कोशिश करेंगे समझाएंगे, अगर संजना अरे जो रूम पे भैया नहीं है हमारे, ऊपर वाले फ्लोर पे, ऊपर वाले फ्लोर पे जो भैया है ना, उनको लेते आओ, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, और जल्दी लेके आओ, अब बहू भी आपकी पहुंचने वाली, डायरेक्ट पार्क में ही आएगी, उनको लोकेशन मैंने भेज दिया, बहुत बड़ा गलती हो गई, उनको मैंने कॉल कल ही बोल दिया था, हम अपनी मर्यादा स्थाय कायम रखने के लिए हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है भाई, हम अपना बिटवा को अपने बिछिया बहू कोई, कोई गलती जानबूझकर नहीं करता है, हो जाता है, एक गलती के लिए एक आदमी जिम्मेदार नहीं होता, उसमें दो शख्स हम बिल्कुल नहीं झुकते, हम झुकते नहीं, पर हम लोग आज जब बात सच पता लगा ना, तो हमारा पाँव के नीचे से जमीन गायब हो गया सामान, कि हम कैसे गलत फैसला ले लिए, वो भी साला अपना बचुआ के लिए, चलिए आ रहे हैं वो लोग तो बात करेंगे, रोइए मत, कोशिश करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे, मान जाएंगे भाई, मान जाएंगे तो क्या कर रहे हैं यार, हम रो तो बहुत, हम लोग वेट कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, थोड़ा देर वेट करते हैं, आ रहे हैं लोग तो बात करेंगे हम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर मेरे खुश रहो भाई, खुश रहो, बुलाया आपने, क्या बात होगी जी, आप लोगों ने बुलाया मेरे को, बताओ आपके बाबूजी है ना, हाँ बाबूजी है, सरपंच है गांव के, तो ये तीनों कुछ आपसे बात कर रहे हैं, तो आप हमको ताना मार रहे हैं, अभी भी ताना मार रहे हैं बाबूजी, हम क्या ताना, सरपंच तो है ही हम, आपका फैसला अब नहीं रहे हैं, सराकों पर माना है और क्या, अब हम सरपंच नहीं रहे हैं, आप हमें ताना सुना रहे हैं इस चीज का, भाई ने बुलाया भैया ने बात करने के लिए, बेटा गलती तो सबसे होता है, तो गलती होता ठीक है, हम जानबूझ के गलती नहीं किए हूँ, आपने भी कुछ सोच के ही फैसला सुनाया ना, मेरी तो आपके एक फैसले से पूरी जिंदगी खराब हो गई, मैं अपनी बीवी से भी हो गया, देखिए ये भैया हमको बोले थे तब हम आए हैं, और हमको सच बात का पता लगा, वो लड़की हमको आके बोली है, तब हम आपको बोले हैं जी, अब सच का क्या करें, जब मेरा घर परिवार टूट गया सारा, मैं बीवी से दूर हो गया, अरे बेटा हमारा तो कंधा टूट गया है पूरा, हम कहा इसका कहें, मेरे भाई को तो बच्चे हो गए, घर हमारा तो पूरा बर्बाद हो गया, पूरे समाज में कहीं मुंह नहीं दिखा रहे हैं, पूरे सारे समाज वाले हीन भावना से देख रहे हैं मेरे को, आपके एक छोटे से फैसले का, तुझे चाह था तेरा बाप छाती चोरी करके चलता था, आज हमको पूरा कंधा तोड़ के तूर कर दिया, आप बैठिए दो मिनट, और हम आए हैं कि वो जो लड़की हमको करी है, आप बैठिए, जो वो लड़की हमको जो भी किया ना सही किया, क्योंकि उस समय उनके पास वही सही एविडेंस था, जो एविडेंस था उस समय उसी के आधार पर, तो वो फैसला थोड़ा सा सोच समझ के कुछ पता करते, जब तो मैं क्या सरपंच, एक भाई भाई जी दो सरपंच सारे गांव का होता है, उसके लिए सब अपना बेटा चाहे किसी और का बेटा, सबका बेटा एक समान होता है, तो इन्होंने पहले बात सुनो गया, उस समय जो इनका इनके पास सबूत मिला, पूरे गांव वाले तुम्हारे खिलाफ थे, वो लड़की तक तुम्हारे खिलाफ थी,
ये तुमने उसके साथ गलत किया है। पूरा गांव एक तरफ था, पूरा गांव एक तरफ है और हम सरपंच हैं, हमारे गांव का सब भान बेटी हमारे एक बराबर का। बाबूजी कुछ पता करते तो मेरा तो आपके छोटे फैले घर परिवार तो उजड़ गया सारा कुछ। हम उजड़ गया है, उसकी बीवी से दूर हो गया, वो भी रो के मैंने 7 साल आपका भी सरपंच बने हुए देखो कितना, अब दोबारा भी अब सुनने में आया। अब तो हम सत्ता में नहीं है, अब नहीं है, अब क्या करें बाबूजी, नहीं है हम सत्ता में। तो ये अब तो फिर हम बोले, मेरी बात सुनो, उस समय का जो सिचुएशन था, जो सबूत था, उसके आधार पर उन्होंने फैसला सुनाया। उस समय तुम्हारे खिलाफ ही तो सबूत था, बाबूजी के खिलाफ कहाँ गए, तो हम मैं तो बर्बाद हो गया, मैं इनके खिलाफ तो कहाँ गया, इन्होंने फैसला। अरे बेटा हमारे अंदर क्या रह गया है, तो पूरे समाज में हम गर्दन उठा के चलते, आज हमारा घुटना उठना सब टूट गया है। अब उसी का पछतावा कर रहे हैं, ठीक है ना, उसी का पछतावा। खुश रहो बेटा, खुश रहो, बस खुश रहो। अब उसी का पछतावा उनको हो रहा है। रो मत, कोई नहीं, रो मत। क्या कर से मानना पड़ेगा इनका फैसला, दूर रहेंगे और क्या करें। अगर ये पहले ही थोड़ा सा फैसला अगर सोच समझ के सुनाते तो हम एक हो जाते, घर परिवार भी वंश भी चलता। उन्होंने उस समय गलत नहीं किया, जो उनके पास सबूत था उसी के आधार पर फैसला किया, ठीक है। अरे बचवा, हमारे खिलाफ गांव के लोग गलती देखा, हमारे से जानबूझ के नहीं किए हैं हम, सच्चाई उनको भी मालूम। जब हमारे सामने आज सच्चाई आई है तो हमने बेटा हम अपनी गलती में समाज में नजर उठा के नहीं चल सकता, उसका कोई फायदा नहीं बेटा, समाज में उठा दिमाग संका रहे हो आप। वो सरपंच ना है, वो सारे गाँव के लिए एक बराबर सोचेंगे, तो जो उस समय उनके पास है वही बोल रहे हैं ना, ये रो रहे गिड़गिड़ा रहे हैं तुम्हारे। आज हम बेटा इन बुलाए हैं, इन भैया को बुलाए हैं, तो ये देखिए फैसले कारण मैं किसी के नजर उठा के नहीं चल सकता बेटा, पूरा इज्जत समाज में दिलवाएंगे ये आपको। हम तो बूढ़ा हो गए हैं, कोई बात नहीं, पर जो दो लोग हैं ये आपको पूरे समाज में दिलाएंगे। मेरा बच्चा, हमारा पोता पोती आज हमारा हो जाता तो हमारा छोटा बेटा के बस सब कुछ हो गया है, पर हमारा जो गलती हुई है उसका क्या करे। मैंने हम अब वो चाहते हैं कि तुम दोनों आदमी वापस में दोनों एक हो जाओ यार, एक हो जाओ, घर जो गलती है उसको सुधारो, ठीक है ना, क्योंकि उनको भी गलती का एहसास है, ठीक है, लेकिन वो भी मजबूर थे उस समय, उन्होंने गलत जो फैसला किया। अब हमारा घुटना टूट गया भाई, भाई जवाब नहीं है, सारा गांव खिलाफ था, जो अब अपना घर क्या रखा, कुछ नहीं रखा, अब हमें रहने दो, हमारे हाल पे रहने दो। अरे बेटा बहुत बड़ी जिंदगी है, इसमें कोई ऐसा नहीं करते हैं, खुश है जैसे भी दूर दूर, अब सारा दोस्त अब हम पे ही डालोगे, हम पे ही डालोगे। आपके एक बात बताओ, एक आपके कहने का मतलब इन्होंने गलत किया ना, आप लोगों के साथ गलत किए हैं, तो सारा समाज हमारे खिलाफ था, बाबूजी ने फैसला सुना, हमारी तो जिंदगी खराब हो गई ना, फैसला जो उस समय अगर ये वो फैसला नहीं सुनाते तो इनका इज्जत क्या रहता, आप लोग बताओ। आपसे पूछ रहे हैं, अगर आप सरपंच होते, ये आपके बेटा होते तो आप क्या करते उस समय, पूरी दुनिया दूर हो गई, आप बताइए, पूरी दुनिया हम पे थू थू करती है। 7 साल हो गए, फैसला ले लिया, हमें मंजूर है, हमें जैसे हमें रहने दो। अरे नहीं बेटा, अब दोनों एक हो जाओ, 7 साल से हम कैसे घुट घुट के जिंदगी काट रहे, एक एक दिन हमने कैसे निकाला। अरे बेटा 7 साल दिख रहा है, लेकिन वो 20-25 साल तक वो पोस पाल कर तुमको बड़ा की, ये चीज नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं आज भी तुम्हारे लिए उनके अंदर है, तो बेचैन है। कहाँ गए तो, अरे बेटा ये ले मेरी पगड़ी ले, और ये तुम्हारे हाथों में है बेटा, अब तुम्हें जो करना है कर लो इसको, तुम कोई नहीं, तुम मेरी इज्जत धूल में डाल दो, अब तक छाती चोरी करके दिया है, पर अब ना तुमने कर दिया बेटा, चाहते हैं कि तुम दोनों, अब हमारा तो सब कुछ तुम ही हो, क्योंकि उनको गलत डिसीजन लिया था उस समय, कोई गलत उनको, हम टूट चुके हैं बेचवा, अब टूट चुके हैं, रो रो के ये क्या करेगी बताओ, आज घर परिवार होता वंश चलता बेटा, अभी भी कोई दिन गया नहीं है भैया, आप अभी भी आप लोग एक भाई आप समझाइए, हम तो टूट चुके हैं, बैठिए, हमारा तो बस पूरा जिंदगी सा ऐसा व्यतीत हो गया है। आप बैठो, एक बार क्या था, एक बार हुआ क्या था जो उसने गलत डिसीजन, हाँ एक बार बताओ आप। भैया ऐसा हुआ था, हम देखिए, हम तो सरपंच हैं गांव के, हम किसी के खिलाफ गलत फैसला ले नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। अब जो लड़की के साथ में इनने बताया हमको कि वो लड़की बोली हम रोके, किसी का मैंने बदतमीजी की है, अपना वालों ने इकट्ठा होके सर रेप का नाम लगाई है इस पे, रेप छोटी चीज नहीं होती है सरपंच, ना बड़ा, तो हम उसको कहां किस नजर से देखेंगे। मुझे अब हम इनके सब, हमारे भी 3 बेटा हैं, 2 बेटी है, छोटी बहन है, मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला, इनका फैसला सुनाया तो मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। अभी भी तो वही ना बोल रहा है, ये गलत सब उस समय गलत था, तो मैं सबूत कहां से लाता अपने, ये हमारा सबसे बड़ा बेटा है भैया, भैया ये हम सबसे बड़ा बेटा है, जब सबसे बड़ा बेटा पे ऐसा अंजाम लगेगा तो हमारे बाकी बच्चों का क्या होगा। अब ये फैसला सुना रहे मैं मौके पे, सबूत कहाँ से लाऊं, मैंने तो ऐसा दो बेटा है, ऐसा लगा उन्होंने फैसला सुनाया, 3 बिटिया हैं, तो 3 बिटिया हमारे कौन बिटिया के शादी करता बताइए,
आप बताइए हम रख कोई नहीं समाज हम कहीं मुंह दिखाने लायक रहते तो मैं भी तो समाज में अब नजर उठा के नहीं चल सकता मैं कहां जब भी दूर होके गया तो बेटा उसमें हमें कौन करते नहीं उससे भी दूर होना पड़ा मैं लड़की जो झूठा इल्जाम लगाई वो आके हमको बताई अब हमको आके बताइए सब 5 साल बाबूजी अब क्या फायदा अभी इन फैसलों से क्या होने वाला है बताओ जाओ जब तक हम सरपंच थे आज बाप के नाता बोल रहे हैं हम अपना जिंदगी फिर से शुरू कीजिए बच्चा अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है तो मानो ना उस बात को अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं कर लो भचुआ अभी भी तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो अब तो बात निकल गई अब क्या अब 7 साल बाद याद 7 साल कम नहीं होते आपको सरपंच बने अब दोबारा भी आप सरपंच सुनने पर नहीं बन पाए अब क्या बहुत होते हैं 7 साल बहुत होते हैं अब भैया तुम्हारे हाथ में है हमारी इज्जत तो अब हम कर लेंगे गुजर हमरा के एक पोता और दे दे बिटुआ एक भाई एक बात भाई मेरा बात सुनो आप एक बात बताओ इस सरपंच है गाँव इस सारे लोगों के बारे में एक ही तरह ना सोचेंगे आप बेटा बाबूजी तो हाथ में जोड़ो रो मत मैं आपकी इज्जत करता हूँ पर आपने फैसला सुनाया तो मेरे तो देखो इज्जत खराब हो गई मेरी भी कोई समाज में कोई इज्जत नहीं बची और तू रे बाप की इज्जत जो हो रही है खराब पूरे जमाने में उसका क्या आज तक हम सालों किसी को उठा के नहीं कैसे फैसला करा जाएगा बताओ आप सरपंच तो हम रहे 5 साल पर हम कैसे अपना व्यतीत काटे हैं गज गली से किस नक्कड़ से किस मोहल्ले से हम जाते हैं सब हमको सालों कितना नजर दिखता है हमरा भी तो तुमने कैसे कैसे दिन गुजारे हमें पता है अरे हम तो आज हैं कल मर जाएंगे पर अब तो तुम अपना तो करो बेटा दोनों एक जगह रहो घर पे रहो और जो भैया कुछ समझाइए इनको कोशिश करो बेटा थोड़ा समझावा इन रख के ठीक है ना समझाइएगा भैया आपकी बात मान लेंगे भैया बताओ फिर भौरिया मान जाओ बाबा भैया फैसले से क्या फायदा है अगर फायदा है फैसले से फैसले से हम जब रो रहे थे हम मिन्नत कर रहे थे जब तो आपने सुनी नहीं हमारी बिल्कुल अरे बेटा हम मुझे तो हम सुनना मुझे नहीं करना 7 साल पहले हमने भी हाथ जोड़े थे ये भी आता है ना तो मुझे नहीं रहना तुम्हारे आपने हमें बेटा हमारा पूरा परिवार हो जाए मान जाओ तुम दोनों आपने पूरे गांव की सुनी इस लड़की की सुनी आपने अपने बेटे की तो सुनी नहीं हमने कितने हाथ पैर जोड़े कितने मिन्नत करी आपके पास दिमाग नहीं है आपके पास दिमाग नहीं है ये नहीं रो रहे हैं इस उम्र में भी इनको पछतावा हो रहा है अपने लाइफ पे मैं इनकी इज्जत की वजह से तो आई हूं मैं भी आपका इज्जत कर रहा हूं ना आज इनका इज्जत अरे बेटा मान जाओ यार मान जाओ भैया अब तुम कुछ क्या क्या चाहते हो मुझे बाबूजी आपके हाथ पैर जोड़े थे अगर आप उस दिन सही फैसला सुना दे तो हमारा भी घर परिवार मुझे नहीं सुनाया उसी का सबूत उनको मिला था इसलिए उन्होंने फैसला सुनाया तो हमारा घर परिवार नहीं उजड़ता अगर हमने अरे भैया हम पछता लिया हूं बेटा मैं बहुत पछताया हूं आप पछताने तो कुछ आदत बिना वो बड़े हैं और हाथ जोड़ने को समझना चाहिए अब तुम नहीं चाहो तो भैया ये ले हमारा अरे बेटा ये ले ये हमारा पगड़ी है ले जाइए रख लीजिए आप अरे नहीं जाना मुझे यहां से अब बाबूजी क्या करें बताओ इसको उठाओ अरे बेचुआ उठाओ कोई बात नहीं बाबूजी बैठो आप बाबूजी फैसला सुनाने से पहले आप देखते हैं कुछ पता करते हैं मेरा तो क्या करें मेरे तो घर परिवार उजड़ गया मैं किसी समाज के सामने आपका घर परिवार जिनका घर परिवार नहीं उजड़ा है परिवार दिमाग ना बची नहीं आप लोगों के पास अपना अपना परिवार खत्म हो गया बेटा तो मैं बताओ ना आप ये समाज में नजर उठा के नहीं समाज इनका इनसे ज्यादा समाज है आपका अरे दादा पूरा परिवार खत्म हो बात कर रहे हो उस समाज में आपसे ज्यादा पता है मैं इनके इज्जत करता हूँ मेरे को नहीं उससे अरे तू हमारा नाम से जाना जाता है हम तुम्हारे नाम से नहीं जाना जाते आप हमारे बेटा है आपके बेटा नहीं है क्या इज्जत करते हो यार आप भी खुद नहीं मानो तो किसी भी कहां से मानेगी जब उस टाइम फैसले की कदर कर ली तो अब भी कर लो अभी भी तो कुछ फैसला करना चाह रहे हो मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी मैं तो अपनी बीवी से भी दूर हो गया अरे बेटा कुछ नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ उन्होंने खराब किया तो उन्होंने चाह रहे हैं कि तुम दोनों एक हो जाओ तो क्या दिक्कत है यार हमारा परिवार इकट्ठा कर ले बाबू अच्छा एक जगह रहो हम बस अब नहीं तो हम 4 दिन नहीं जिएंगे आप फैसला करो फिर कोई ऐसा फैसला करो दोबारा कोई ऐसा नहीं करना है हम 4 दिन नहीं जिएंगे फैसला किया था तो मैं घर परिवार से दूर हो गया अब फैसले से कोई फायदा नहीं है आपके एक छोटे क्या है फायदा नहीं आप बताइए आप ये गलत किया भैया रुको देखिए भैया आप अरे बेटा मान जा मेरे बच्चा बात करने दो अरे मान जा भाई बाबूजी आप एक फैसले मैं तेरे पैर पकड़ता हूं बाबूजी आपके फैसले पूरी मेरी जिंदगी खराब होगी मैं अब क्या फायदा अब मेरे बच्चे मेरी गलती माफ कर नहीं आपको फायदा ही नहीं है बाबूजी फैसले से आप ये मैं अपनी जिंदगी तेरे भी कदमों में रखता हूं बेटा ये ले भाई मैं मेरे को नहीं मैं रहना नहीं अरे हमरा का काहे धक्का मारती मेरे रहने नहीं बाबूजी आपके साथ उनको मार उनको मार के 2 मिनट में ठीक कर देते लेकिन मारने से नहीं ना होगा ठीक है पकड़ी देती दादा ठीक कर देते मार पीट तो हम भाई से इतना नहीं पछताते कुछ
कुछ नहीं होगा, हम बात करेंगे उनसे। पूरा हमारा जिंदगी खराब कर दी है ये, और मामला बिगड़ जाएगा, पूरा जिंदगी खराब कर दिया हमारा ये, हमारे कैसी औलाद निकली बाबा। एक दिन का तो है नहीं कि मार पीट के उसको सुधार देंगे, उसके बाद अभी रह गया भाई इस उम्र में, हमारा के साथ तो यही होना चाहिए हमारे साथ, हम गाँव के जो सरपंच जो रहे ना, देखिए एक गलती का हम इतना बसता रहे हैं। अभी तो गुस्सा करके चले गए हैं, फिर कोशिश करेंगे उनसे बात करिए भैया, हम तो हर भी गोड लगते हैं भैया, गोड मत लगे भैया, हमारे बच्चों हमारा परिवार एक करा दीजिए, आपको बहुत दूर से बुलाए हैं, कोशिश करेंगे बात करेंगे अगर मान जाएंगे भैया हमारे। एक चीज मत करिए, ये चीज मत करिए ना, ये चीज हम बहुत दुखी हैं भैया, आप ऐसा मत करिए, चलो इनको भी घर ले चलो, बहुत दुखी है। हाँ प्रकाश ले चलो इनको घर ले चलो, हम उनसे फिर बात करेंगे, बात करेंगे, आप रोइए मत, आप इतना अच्छे हो गए, आप दूसरे के लिए अच्छे सोचते हैं, आप दूसरे के लिए भलाई के लिए सोचते हैं, आपके ऊपर सारा गांव वाला भरोसा करता है, आप इतना टूट सकते हैं बेटा, औलाद का गम तुम क्या जानो, अभी तुम बाप बने थोड़ी ना हो, आज हमारा पोता पोती खेल रहा हो तो हमारा ही गलती के कारण ही हुआ है। आपने गलती नहीं किया है, ठीक है ना, वो तो समाज जैसे बोला, जैसे गवाह मिला वैसे आपने किया, आपने फैसला सुनाया, आप अपने तरफ से गलत नहीं हो, आप एक बार और गलत वो लड़की थी जिसने इल्जाम लगाया, ठीक है ना, आप ठीक है, ठीक है, आप हमारे बेटे से एक बार और मिलिए भाई, चलिए आप मेरे रूम पे रहिए, दो तीन चार दिन गए हैं आप हमारे रूम पे, चलिए ठीक है ना, हम उनसे बात करेंगे, मैं जाऊंगा नहीं, मैं सर मोड़ के मर जाऊंगा, कोई नहीं, बेटा भी आपका हमारे रूम पे ही रहेगा, अभी कहीं जाएगा नहीं, आज गुस्सा करके निकलेगा, अगर सर फोड़ के मरने से अगर ठीक होने वाला होता तो आदमी पहले ही सर फोड़ के मर, हमारा भैया बहुत दुख है, घर पे चलिए उनसे हम फिर बात करेंगे, अगर मान जाएंगे तो फिर घर पे ही बुलाएंगे, नहीं तो जहाँ वो कहेंगे वहाँ हम चल उनसे, ठीक है आप चलिए अभी, ठीक है भैया, ठीक है बहुत बहुत भैया, भैया चलिए।